यहां से स्टार्टअप किया था भगवान ने। ये देखो ना, ये भगवान का चिन्ह का दर्शन है, ये भगवान की आंखें हैं और ये भगवान का मस्तक है, और ये जो भगवान की कमर है, ये दूध चलाने वाली रस्सी है, सुन लो ध्यान से, और ये बाल बांधने वाली रस्सी है यशोदा मैया का, और ये राधा जी का लहंगे का नारा है जो भगवान को बंधन, ये वृक्षों का निशान है, इसमें चिन्हों के निशान है, ऐसे ये वृक्षों का निशान है, और ये जो है ना नाभि है, ये शरीर यशोदा माता की मनोकामना की जगह, ये विष्णु जी का अष्टकमल है, और ये गणेश जी का शैक्षिक चिन्ह है, तो ये यशोदा मैया की मन्नत की जगह है। जो लोग यहाँ सच्चे मन से मनोकामना मांगते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं राज 13। आज हम पहुंचे हैं उखल बंधन लीला, जो गोकुल में है, और यहाँ के महाराज जी से हम इनकी पूरी जानकारी जानेंगे और आपको बताते हैं। बने रहिए मेरे साथ पूरी वीडियो में। है जिससे देश विदेश से लोग यहाँ इसको दर्शन करने के लिए आते हैं। ये 4.5 फुट का है, ये जमीन के अंदर में घड़ा हुआ है। ये कश्यप मुनि बनकर के यहाँ तपस्या किया था, तो ये भी कहते थे कि मेरे को काल उखल बना देना। विष्णु भगवान बोले कि मैं तेरे को उखल बना देता हूँ, जिसके ऊपर मैं कृष्ण भगवान चढ़ करके मटकी तोड़ेंगे, माखन चोरी करेंगे, तब तेरा कल्याण होगा। तो माता जसोदा ने भगवान को यहाँ बांध रही थी, 9.5 लाख गाय की रस्सी आ गई और मात्र 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही थी। तो भगवान बोले कि मैया मेरे को प्रेम से नहीं बंधन कर रही है, तो क्रोध से बंधन कर रही है, इसलिए 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है। तो माता जसोदा मैया बोली कि लाला मैं तेरे को प्रेम से बंधन कर रही हूं। तो भगवान बोले कि मैया ये तुम्हारे आंसू जो निकल रहे हैं ना, ये तो क्रोध के आंसू निकल रहे हैं, गुस्से के। तो जसोदा मैया बोली नहीं लाला, ये तो मेरे भक्ति के आंसू हैं। क्रोध का आंसू अलग होता है और भक्ति का आंसू अलग होता है। जो ये भक्ति का आंसू, आज ध्यान से सुन लो, ये गोकुल में अच्छी बातें सुनने को मिल रही है, भागवत में नहीं मिलेंगी, यहां ब्रज में सुनने को मिलेंगी। जो भक्ति के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं, और क्रोध के आंसू गर्म होते हैं। जो भक्ति के आंसू होते हैं ना, इस साइड से निकलते ठंडे निकलते हैं, वो कम निकलते हैं जब कन्हैया की कृपा होती है, भक्ति को में कोई खुशी होती है, जिसे के पुत्र प्राप्ति के लिए, शादी के लिए, और जो भी किसी के नौकरी चाकरी में नौकरी लगने से, तब कन्हैया प्रवेश हो जाते हैं, तब भक्ति के आंसू निकलते हैं कि हे कन्हैया गोकुल वाले, हमारा जीवन लग गया आपकी सेवा में, तुमने हमारी मनोकामना पूरी की। तो भगवान बोले कि मैया जो क्रोध के आंसू होते हैं वो सामने डायरेक्ट निकलते हैं। तो भगवान बोले कि मैया मैं इतना रस्सी से नहीं बंधूंगा, केवल मैं तो प्रेम डोरी से बंधूंगा। तो जसोदा मैया बोली प्रेम डोरी कहाँ से लाए, कि दूध चलाने वाली रस्सी लेकर के आओ और अपने बाल बांधने वाली रस्सी लेकर के आओ, तब मेरे को बंधित करो। तो यहाँ भगवान को दीपावली के दिन यहाँ कृष्ण को बंधन किया, और यहीं से कृष्ण का नाम क्या हुआ, दामोदर। दाम कहते रस्सी, उधर माने पेट, कृष्ण का नाम यहीं से दामोदर हुआ। तो यहाँ पीछे दोनों पेड़ बनकर के तपस्या कर रहे, कुबेर भंडारी के जो पुत्र थे नलकुबर मणिग्रीव, तो नारद जी बोले कि जाओ तुम दोनों भाई पेड़ बन जाओ। तो ये बोले हम लोग कहाँ बने, कि नंद महाराज के आंगन में जाकर के पेड़ बन जाओ। तो ये सुबीरे क्या बोलते हैं कि हे नंद के लाला, तुमने पूतना बकासुर राक्षस का तो उद्धार कर दिया, कभी हमारा भी उद्धार करो। तो भगवान बोले कि आज दीपावली का दिन है और मावस्या का दिन है, आज इनका उद्धार कर देते। ओखली को खींच के पीछे ले गए, तो भगवान के चढ़ लगने से, उखल लगने से दोनों पेड़ गिर गए थे। तो जब पेड़ गिर गए ना, तो यहाँ शंकर ब्रह्मा नंद महाराज घबरा गए। सभी शंकर ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में यहाँ फूलों का वर्षा करी, और यहाँ शंकर ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में यहाँ नाक भी रगड़ी थी। ऐसे घर में बोल देते हम तुम्हारी नाक तोड़ देंगे, नाक रगड़ देंगे, तुम लोग यहाँ नाक रगड़ दोगे तो कहीं संसार में नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये ओखल का जल है ना, ये जल भक्त लोग आंख में लगाते हैं, नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम, ये हमारी दिव्य दृष्टियाँ शुद्ध करना। जब तक दृष्टि शुद्ध नहीं है तो कृष्णा की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ माथा लगाते हैं, बोलते हैं कि प्रभु हमारा अहंकार नष्ट करना। अहंकार होता है ना, भक्ति का भी अहंकार होता है, और प्रॉपर्टी का भी अहंकार होता है, और अपना शरीर का भी अहंकार होता है, तो यहाँ अहंकार नष्ट होता है। भगवान क्या बोलते हैं, भागवतम कृष्णा और गोकुलम कृष्णा, गोकुल में भी कृष्ण विराजते हैं और भागवत में भी कृष्ण विराजते हैं। यहाँ जो लोग भक्त लोग यहाँ आते हैं सच्चे भाव से मन से, तो यहाँ कन्हैया गोकुल वाले ये सबकी मनोकामना पूरण करते हैं। इनके अंदर में घड़ी हुई 4.5 फुट का है, ये आधा जमीन के अंदर में घड़ी हुई है, ये जब जाती है। हाँ, ये ऐसा है कि हम लोग बता, हमने देखा था बचपन से, इतना बड़ा था ये उखल और ये भी इतना बड़ा था, और यहाँ पर जो आधे को एक तिल नीचे को ये जा रहा है अंदर। अच्छा, ये क्या है पंडित, ये जो है ना, ये ब्रज मंडल यहाँ से स्टार्टअप किया था भगवान ने। ये देखो ना, ये भगवान का चिन्ह का दर्शन है, ये भगवान की आंखें हैं और ये भगवान का मस्तक है, और ये जो भगवान की कमर है, ये दूध चलाने वाली रस्सी है, सुन लो ध्यान से, और ये बाल बांधने वाली रस्सी है यशोदा मैया का, और ये राधा जी का लहंगे का नारा है जो भगवान को बंधन, ये वृक्षों का निशान है, इसमें चिन्हों के निशान है, ऐसे ये वृक्षों का निशान है, और ये जो है ना नाभि है, ये शरीर नाभि से शरीर बनकर के तैयार होता है और नाभि से ही लास्ट होता है। तो यहाँ पर अनुभव करने का विषय है, तो यहाँ एक बार आने का विषय नहीं है, यहाँ उखल बंधन स्थान पर बार बार आते रहेंगे तो कृष्ण भक्ति देते रहेंगे, सुख शांति देंगे, धन भी देंगे, तो भगवान तो तुम्हारी भावना के हो गए। तब यहाँ दोनों पेड़ गिर गए, तो नंद महाराज क्या बोले कि ओ हो अमर देवता हो, तुम्हारी कृपा से मेरा लाला बचको और गाय की कृपा से।
तो नंद महाराज बोले कि सबकी मीटिंग करी, पंचायत किया कि नंद महाराज बोले कि हे ब्राह्मण देवताओं, तुम्हारी कृपा से मेरे लाला बचको, मैं तुम्हारे लिए एक दूध देने वाली गाय देता हूँ। जितने ब्राह्मण हैं सब ब्राह्मण आ गए और यहाँ पंचायत करी। तो नंद महाराज से बलराम जी बोले कि नंद महाराज ये क्या कर रहे हो, मन क्यों कि ये सारे जो 9 लाख गैया हैं और ये 7.5 किलोमीटर में घर बना हुआ है हमारा, हम कहाँ रहेंगे। तो नंद महाराज बोले कि लाला बलराम, मेरो लाला यहाँ कन्हैया सुखी नहीं है, तो मेरा रहना बेकार है, यहाँ से चलते हैं ब्रज मंडल स्टार्टअप करते हैं। क्यों कि बड़े पेड़ हैं, तो जो यमला अर्जुन नाम के जो वृक्ष थे ना वो 3.5 किलोमीटर दूर से दिखते थे। तो बोलते नंद महाराज का घर कौन सा है, कि वो यमला अर्जुन नाम के जो वृक्ष हैं वो नंद महाराज का घर है। तो बोले नंद महाराज बोले कि यहाँ तो बड़े बड़े पेड़ हैं, ये गोकुल गाँव इतना था, ये सटे हुए वृक्ष थे, सूर्य की किरण भी नहीं आती थी यहाँ, इतना बड़ा गोकुल था और इतने बड़े वृक्ष थे कि ये सूर्य की किरण भी नहीं आती थी यहाँ पर, इतना बड़ा घोर जंगल था, सबसे बड़ा गोकुल महावन। तो नंद महाराज बोले कि मेरा लाला यहाँ सुखी नहीं है, तो मेरा रहना बेकार है। तो नंद महाराज ने यहाँ 9 लाख गाय दान कर करके तब ब्राह्मणों को अन्न दान किया और दक्षिणा भी दी कि मेरे लाला की कृपा भजन करना कि आगे की कोई संकट नहीं आए। तो नंद महाराज बोले कि हे ब्राह्मण देवताओं, ऐसा भजन करना मेरे लाला को कोई संकट नहीं आवे। और नंद महाराज बोले कि हम लोग ब्रज की स्थापना यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से ब्रज की स्थापना कर रहे हैं, जो भक्त लोग यहाँ आएंगे तो उनके भगवान यहाँ से कल्याण करते रहेंगे। तो भागवतम कृष्णा और गोकुलम कृष्णा, गोकुल में भी कृष्ण विराजते हैं और ये भागवत में भी कृष्ण विराजते हैं। यहाँ आने से ना एक घर में भागवत का फल प्राप्ति होता है की जगह। यहाँ यशोदा मैया है ना दीपदान जलाती थी, 108 दीपदान जला करके जाती थी, किस लिए कि मेरे को लाला की प्राप्ति हो जाए। तो शंकर ब्रह्मा जी आए बोले कि अरे मैया तेरो लाला कहाँ है। तो जसोदा मैया बोली मेरे लाला नहीं है, मेरी तो 60 साल की उम्र हो गई, कोई संतान की प्राप्ति नहीं है। तो जसोदा मैया से बोले मैया तेरे लाला की प्राप्ति होने वाली, तेरे मस्तक में बहुत बड़ी लाला की प्राप्ति होने वाली। तो जसोदा मैया बोली कि तुम लोग भांग खा के आए हो क्या, ऐसा हंसी मजाक कर रहे हो मेरे घर में आकर के। नहीं मैया, तू ये विष्णु जी का अष्टकमल है और गणेश जी का सक्सेक्शन है, इसका पूजन कर, अब से कर, तब कन्हैया की प्राप्ति होगी। तो ये जसोदा माता की मनोकामना की जगह, ये विष्णु जी का अष्टकमल है और ये गणेश जी का शक्ति चिन्ह है, तो ये जसोदा मैया की मन्नत की जगह है। जो लोग यहाँ सच्चे मन से मनोकामना मांगते हैं तो जसोदा मैया उनकी पूरी करती है मनोकामना। करके बसदेव जी वहां ले गए मथुरा, बसदेव जी उनको ट्रांसफर किया कि मेरे को इस पर लेके जाओ, ये कन्हैया बोले कि मैया से, मैया की मनोकामना की जगह, उस पर मैं जाऊंगा गोकुल से, मथुरा से पार होकर के गोकुल के लिए। तो ये विष्णु जी का अष्टकमल है और ये गणेश जी का शक्ति चिन्ह है। बोलो गोविंद भगवान की। और आओ ये दर्शन करवाओ, ये पीपल का झाड़ है, सब पीपल में भगवान बोले कि मैं ही हूँ। नीम पीपल और जो नीम है, आम है, अमरूद है, जो वृक्षों में सबसे बड़ा ये वृक्ष जो पीपल में बास करते हैं कृष्ण भगवान। तो ये जो है ना, ये चला आ रहा है 40 साल से चला आ रहा है, ये हट जाएगा इसके बाद में, ये नीचे से निकल करके आ रहा है, ये कल्प वृक्ष बोला जाता है इसको, कल्प वृक्ष बोला जाता है। तो भगवान भी यहाँ आते थे, गाय चरा करके आते थे, तो यहाँ विश्राम करते थे। तो भगवान से बोले कि हे गोविंद, हे दामोदर, हे कन्हैया गोकुल वाले, हमारे को वरदान दे दो। तो भगवान बोले कि फल और फूलों। तो भगवान बोले कि जो भक्त लोग आएंगे उसका आपको दर्शन करेंगे, नमन करेंगे। तो जो नंद महाराज बोले कि हम लोग गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए चलते हैं। तो नंद महाराज बोले कि हम लोग वृद्ध शरीर है, हम लोग चल नहीं सकते हैं। तो नंद महाराज से बोले कन्हैया से कि तुम लोग गोकुल में ही ब्रज की स्थापना कराओ गिरिराज जी की, तो हम लोग यहीं परिक्रमा कर लें। तो कहते हैं गिरिराज धरण हम तुमरी शरण में रखना लाज हमारी। तो ये गिरिराज जी का भी दर्शन है। ये जो लोग 7 किलोमीटर की परिक्रमा नहीं करते, यहाँ 2 परिक्रमा करने से गिरिराज जी यहीं से भगवान को फल देते हैं। तो ये गिरिराज जी का तपोशली का दर्शन है, यहाँ भगवान ने गिरिराज जी की स्थापना करी। कहते हैं नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की और हाथी घोड़ा पाल की। और देखो ये वो स्थान है यहाँ पर राधा जी को मालूम पड़ गया कृष्ण भगवान के ऊपर में 2 पेड़ गिर गए, तो राधा जी भगवान से यहाँ मिलने के लिए आई। तो राधा जी का जन्म कहाँ हुआ?